अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। हमारा न्यूज़ चैनल में आपसे भाई का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग हमारे प्यारे भाई। अब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सऊदी की जरूरी अपडेट और सऊदी का गवर्नमेंट ने जिन कंट्री के ऊपर फ्लाइट की पाबंदी लगा करके रखी है उन कंट्री से फ़्लाइट डायरेक्ट सऊदी अरब नहीं आ रही हैं, उन कंट्री से फ़्लाइट अभी शुरू कर दिया गया है या नहीं किया गया है, क्योंकि इस तरीके का खबर बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है, उसके बारे में आपको बताऊंगा और भी अपडेट होगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूरी देखिए ताकि आपको पूरी अपडेट की जानकारी सही और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। चले सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा उर्दू न्यूज़ का स्क्रीनशॉट है, जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। 24 अक्टूबर से इंटरनेशनल फ़्लाइट की पूरी तरीके से चलाने के लिए अलाउंस कर दिया। जी हाँ मेरे भाई, कुवैत का गवर्नमेंट ने खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी अपडेट जारी किया है, जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि 24 अक्टूबर से जो कि आप समझ सकते हैं पूरी तरीके से चलाने के लिए उन्होंने इजाज़त दे दी है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी जो लोग अगर इंडिया से कुवैत जाने के लिए सोच रहे हैं अभी बिना किसी पाबंदी के आप लोग जो कि कुवैत में जा सकते हैं, और समझिए तो नॉर्मल ही तरीके से कुवैत का गवर्नमेंट ने 24 अक्टूबर से फाइनली उन्होंने बता दिया है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट उन्होंने चालू कर दिया। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत ही अच्छा खबर हमें लगा। आपको कैसा लगा इसके बारे में एक अच्छा सा आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कुवैत के लिए फ़्लाइट डायरेक्ट चालू हो गया या नहीं हुआ। चालू तो हो गया था, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कि नॉर्मल ही तरीके से 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। चलिए इसी का साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं, जो कि इसका भी स्क्रीन शॉट है जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो लोग रहते हैं, जिसको को पता है खासतौर पर मुरूर जिनको बोला जाता है, एक दिन में पार्किंग के खिलाफ वर्जी करने वाले को ऊपर जो कि चालान काटे गए हैं, आप देख सकते हैं 3,240 लोगों को आज जो कि एक दिन में जो कि चालान काटे गया। जी हाँ मेरे भाई, अगर सऊदी अरब में आप लोग का ड्राइविंग करते हैं तो आप लोग देख और सुन करके गाड़ी खड़ा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। क्या फ़ायदा, आपको मान लो 300 रियाल 500 रियाल कट जाता है तो फिर आपको तकलीफ होती है। तो आप लोग देख सुन करके जिस जगह आपका पार्किंग है उसी जगह पर आप लोग गाड़ी खड़ा करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ही अच्छा होगा। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी लेते हैं सऊदी अरब का कांग्रेस का अपडेट, जो कि 22 अक्टूबर का अपडेट है। आप देख सकते हैं सऊदी अरब के अंदर 51 न्यू केस निकले हैं, 59 लोग ठीक हुए हैं और 1 लोगों की सऊदी अरब के अंदर मौत हुआ है। बाकी आईसीयू में जो रखा गया उनको भी आप देख सकते हैं, सिर्फ जो कि 77 केसेज जो कि आईसीयू में रखा गया इनका हालत नाजुक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी में समय तो कोरोना को लेकर के कोई भी बुरी अपडेट नहीं है। खैर इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो सब चीज़ समझे तो धीरे धीरे खुलता हुआ जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। चलिए इसी के साथ और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा हूँ जिनको कि आप खुद भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि ये सऊदी का गवर्नमेंट के तरफ से 2 दिन पहले ही ये सर्कुलर जारी हो गया था, लेकिन मेरे भाई आपको मैं पहले ही बता देता हूँ सऊदी का गवर्नमेंट ने कितने सारे कंट्री के ऊपर फ्लाइट की पाबंदी लगा कर रखा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए और पता है भी, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ सऊदी का गवर्नमेंट ने सिर्फ जो कि 11 कंट्री के ऊपर फ्लाइट की पाबंदी लगा कर रखा है इस सर्कुलर में, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 20 कंट्री का नाम इसमें बताया जा रहा है, इसमें जो कि इंडिया और पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ये समझो तो अफवाह है। इस तरीके का काम समझे तो बहुत सारे लोग करने के लिए बैठे हैं, जो कि अपना काम करने के लिए, अपना धंधा चलाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी का गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। जिस कंट्री से फ़्लाइट की जो कि पाबंदी लगा कर रखे हैं उन कंट्री से फ़्लाइट डायरेक्ट खुल गई है या खुलने वाला है, ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक जो कि रियल में नहीं बताए गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके का हैं फेक बात बता देते हैं उसके बाद भाग जाते हैं, और बहुत सारे लोग जो कि अफवाह में भी आ जाते हैं उनकी बातों को जो कि सीरियसली ले लेते हैं, उसके बाद फिर इधर उधर जो कि उन पोस्टों को शेयर करने लगते हैं और उन पोस्ट जो कि बहुत ज़्यादा शेयर हो जाते हैं और हर आदमी के पास जो कि पहुंच जाते हैं, फिर आदमी सब समय तो बकला जाता है, जिनको कहता है ना जिनका दिमाग थोड़ी सी वो उलट फेर हो जाता है उसी ही तरीके का समझे तो हो जाता है। तो इस तरीके की खबर से आप लोग दूर रहिए मेरे भाई। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर जैसा भी इस तरीके का अगर अपडेट आएगा, जो कि इंशाल्लाह खैर आपको पता चल ही जाएगा, जो भी खैर रियल अपडेट रहेगा आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन फेक न्यूज़ बनाने वाले बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हैं इस तरीके का अपना जो कि काम चलाने के लिए। तो खैर इंशाल्लाह आपको इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा कोई भी अगर अपडेट आता है तो ज़रूर से ज़रूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाना चाहिए किस तरीके का अपडेट जो कि सऊदी का गवर्नमेंट ने देता है, लेकिन आपको पता चलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन अगर अपडेट आता है खैर इंशाल्लाह ज़रूर से ज़रूर मैं आपके साथ शेयर। चलिए और अपडेट की जानकारी ले लेते हैं, जो कि इसका भी मैं स्क्रीनशॉट लगा हूँ। सऊदी और इराक के बीच में जो कि समझ तो पिछले 2 साल से फ़्लाइट नहीं चल रहा था। जी हाँ मेरे भाई, लेकिन अभी देखिए अपडेट आ गया है और सऊदी और इराक के बीच में भी डायरेक्ट फ़्लाइट चलने लगे हैं और चालू करने के लिए उन्होंने बता दिया है।
इस तरीके का अगर अपडेट आता है तो खैर पता चल ही जाता है, लेकिन अफवाह में आप लोग बिल्कुल भी अगर ध्यान देते हैं तो आप लोग अफवाह में फंस जाएंगे। जो कि रियल खबर जो भी आता है समझते पूरी जगह उतनी जल्दी से नहीं फैलता है जितने सारे अफवाह फैल जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। और सऊदी में समझ दो सब चीज़ नॉर्मल है। खैर इंशाल्लाह सऊदी के गवर्नमेंट बता सकते हैं किस दिन से जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होगा इंडिया और सऊदी के बीच में, इसके बारे में किसी को अभी पता नहीं है। जी हाँ मेरे भाई, तो खैर उम्मीद होगा आपको बहुत ही अच्छे से सारा बात डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को आप लोग प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई भी फेक न्यूज़ आपको नहीं मिलेगा। जो भी अपडेट आएगा आपको रियल ही अपडेट मिलेगा, सऊदी अरब से रिलेटेड ही ज़्यादातर आपको अपडेट मिलेगा। चैनल को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए।